नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। यूपी के गाजीपुर के नौनेना क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल सुरेश वत्स की मौत के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी एक ही भाषा है, ठोक दो। ये घटना इसी का नतीजा है। बुलंदशहर के बाद गाजीपुर में भीड़ द्वारा पुलिसकर्मी को निशाना बनाए जाने की ये घटना हुई है। वहीं अब तक इस पूरे मामले में जो अपडेट अभी तक हम लोग के पास है कि 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। इस हिंसा का आरोप लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। इस तरह के आसार भी नजर आ रहे हैं और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता वाकई में कन्फ्यूज है कि सियासी नफरत में आखिरी बलिदान या तो हमारे जांबाज सिपाही देते हैं या फिर आम जनता। लोकसभा चुनाव से पहले एक कैसा सियासी संग्राम है जहां सियासी पार्टियां लोगों की जान लेने पर आमदा नजर आ रही है। से पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की किस तरह गाजीपुर हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। गाजीपुर हिंसा का सच आया सामने। क्या सिपाही की हत्या के पीछे निषाद पार्टी? बीजेपी को बदनाम करने की हो रही है साजिश। आरोपियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती तेज। गाजीपुर हिंसा पर हो रही है जमकर सियासत। चुनाव से पहले यूपी की सियासी फिजा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वानगी गाजीपुर में पीएम मोदी की रैली के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हुए पथराव के बाद हिंसा का आलम पसर गया। लेकिन जांबाज पुलिसकर्मी सुरेश प्रताप सिंह वत्स ने उत्पातियों का सामना ढाल की तरह खड़े होकर किया। अचानक सियासी भीड़ तंत्र की पत्थरबाजी में वो शहीद हो गए। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पहले बीजेपी पर आरोप लगे, फिर एसबीएसपी पर। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस हिंसा के पीछे निषाद पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक पुलिसकर्मी की हत्या के सिलसिले में 19 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बकायदा एक ट्वीट में कहा कि मारे गए पुलिसकर्मी सुरेश प्रताप सिंह वत्स से हेड कांस्टेबल थे। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से लौट रहे वाहनों पर शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया जिसमें वत्स की मौत हो गई। वत्स प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाया हुआ ट्रैफिक जाम खुलवाने गए थे, उसी दौरान एक पत्थर उनके सिर पर लगा। हेड कांस्टेबल सुरेश प्रताप सिंह वत्स का गाजीपुर पथराव में मौत होना बहुत ही दुखद है। अभी तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से 11 के खिलाफ हत्या का आरोप है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी में मारे गए पुलिसकर्मी के परिवार के लिए यूपी सरकार ने 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वत्स की पत्नी को 40 लाख रुपए और उनके माता पिता को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यही नहीं, मुकेश की पत्नी को असाधारण पेंशन और परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके बावजूद जो बड़ा सवाल है कि सियासी नफरत की आग में आखिर कब तक हमारे जांबाज सिपाही अपने प्राण गंवाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वाकई में बहुत ही बड़ा सवाल है कि किस तरह से एक के बाद एक बुलंदशहर के बाद गाजीपुर, और जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आती है कि इसमें हमारे जांबाज सिपाही जो लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात होते हैं और दिल से कहें या फिर कह लें कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए किस तरह से वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है उससे ऐसा लगता है कि सियासत करने का जो एक एग्जैक्ट पैरामीटर होना चाहिए जहाँ से नीचे कोई भी सियासी पार्टियाँ नहीं जा सकती, ऐसा लग रहा है कि उससे बहुत नीचे कई पार्टियां जा चुकी हैं और तभी इस तरह की उत्पात, इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि यूपी की सियासी फिजा में कोई
जहर घोलने की कोशिश कर रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरह की मौत होती है तो क्यों अलग तरह की सियासत करने से लोग बाज नहीं आते। राजेश त्यागी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ है। राजेश, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव चौधरी जी समाजवादी पार्टी के नेता, और एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, श्रीधर पाठक रिटायर्ड आईपीएस। पाठक जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले पाठक जी के पास चलेंगे, श्रीधर पाठक जी के पास चलेंगे। पाठक साहब, देखिए बुलंदशहर के बाद गाजीपुर की हिंसा, लेकिन आखिरी बलिदान किसे देना पड़ा? शहादत इसे कह लें या हत्या इसे कह लें, लेकिन आखिरकार एक सवाल तो है कि इस आखिरी बलिदान के लिए कौन तैयार है? या तो आम जनता या फिर जांबाज हमारे सिपाही, और इन नेताओं को तो भला कुछ होता भी नहीं। किस तरह से पैरामीटर, जो सियासत करने का जो पैरामीटर, एग्जैक्ट पैरामीटर है पाठक साहब, बहुत नीचे कई पार्टियां उसको गिरा चुकी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कई राजनीतिक दलों ने यह सोचना बंद कर दिया है कि वो आखिरकार राजनीति में आए क्यों हैं, और इस तरह के मामलों में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इससे पुलिस का मनोबल बहुत गिरता है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल काफ़ी गिर चुका है, और इसीलिए पुलिस कहीं पर भी रिटेलिएशन नहीं दे रही है। और लोग ये कर रहे हैं कि हालांकि इसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस, तरह तरह की चीज़ें हैं, कानूनी अधिकार पुलिस को प्राप्त हैं, लेकिन पुलिस ढेला सहले रही है, गोली सहले रही है, मर जा रही है, सोचती है कौन झंझट में पड़ने जाए, कल को अपनी जांच करावें। अब इसमें ये पुलिस के मनोबल गिरते हुए मनोबल का प्रतीक है, और गिरे हुए मनोबल की पुलिस और अनट्रेंड पुलिस दोनों किसी भी राज्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा होते हैं। ये राज्य को गिरा सकते हैं और राज्य को उसके राज्य करने के अधिकार से च्युत कर सकते हैं। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, ये तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस ढंग से पुलिस मर रही है, जियाउल हक को कुछ लुच्चों लफंगों ने पीट पीट करके मार डाला, उसमें क्या हुआ? आखिरकार एक एसपी को और एक इंस्पेक्टर को मथुरा में पीट पीट करके लोगों ने मार डाला, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हमने सुनी नहीं। हालांकि सीबीआई उसकी जांच कर रही है, सीबीआई में भी आदमी ही रहते हैं और उन सबके अपने अपने संबंध होते हैं, वो तो अलग चीज है, उससे हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन जिस तरह से बुलंदशहर में कोतवाल को मार दिया गया और अब सिपाही को गाजीपुर में मार दिया गया, ये तो ठीक है कि 11 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, 11 आदमी गिरफ्तार कर लीजिए चाहे 100 आदमी गिरफ्तार कर लीजिए, 10-20 साल मुकदमा चलेगा और अंत में सबूत पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल पाठक साहब, यहीं से तो एक बात निकल कर सामने आती है कि देखिए, जब पीएम नरेंद्र मोदी गाजीपुर में उनकी रैली हो रही थी, वहाँ से लौट रहे थे, अचानक जो जिस तरह की खबर निकल कर सामने आई कि कुछ एसपी के कार्यकर्ता, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, बाकायदा वहाँ पर जो बैरिकेटिंग की गई थी उसे वो पार करके बाकायदा किस तरह से उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, पुलिस वहाँ पर हटाने के लिए गई, रैलियों पर पत्थरबाजी की गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की गई, फिर इसका रिटेलिएशन हुआ और आखिर में क्या हुआ, एक जांबाज हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। ठीक है, मुआवजा और तमाम तरह के इंसाफ और तमाम तरह के कानून की बात तो होगी राजेश त्यागी, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताएं कि देखिए थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं चल रही है। बुलंदशहर के बाद भी निशाना तो साधा जाएगा, पुलिस की कार्यशैली का मतलब होता है सरकार की ही कार्यशैली, और गाजीपुर में जो हुआ यहाँ पर बड़ी चूक नज़र आती है, व्यवस्था की चूक नज़र आती है, कानून व्यवस्था की चूक नज़र आती है। जब निषाद पार्टी पर ही आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का इंटेलिजेंस भी फेल था, इसका मतलब वो लोग वहाँ पर तैयार थे बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, इसके बावजूद देखिए बड़ी घटना यहाँ पर हुई। गौरी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी की मौत होती है, चाहे सरहद पर चाहे अपने देश के भीतर, वो एक संवेदनशील मुद्दा होता है, इसे राजनीति से परे रखना चाहिए जैसा मुझे लगता है। जिस प्रकार की सियासत हम क्यों, क्यों, परे क्यों रखना चाहिए त्यागी साहब, इसमें मैं गौरी साहब में एक बात, परे क्यों रखना चाहिए? निषाद पहले बीजेपी का नाम, जिस प्रकार से फिर एसबीएसपी का नाम आया, फिर निषाद पार्टी का नाम आ रहा हूँ, आप सुन रहे, मेरी बात सुन लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी की तो एक ही भाषा है, ठोक दो।
जनता कंफ्यूज, पुलिस वाले कंफ्यूज, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल क्या कहना चाह रहे हैं। कानून व्यवस्था तो दुरुस्त चीजें नहीं हो पा रही। देखिए इसमें तो पहले तो मैं उस विषय पर आ जाऊं जो मैं बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, बोलिए। फिर उसके बाद मैं इस पर भी आऊंगा ठोक दो वाली बात पर, कि जब एक आदमी की मौत होती है तो थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उस पर केवल राजनीति नहीं करना चाहिए, हमें कानून और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा भी रखना चाहिए। आप देखिए तुरंत जब ये घटना हुई, घटना के बाद तुरंत लोगों को गिरफ्तार किया गया, 11 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, 32 लोगों को नामजद किया गया। ऐसे इस प्रकार से कानून अपनी पूरी प्रक्रिया निभा रहा है, कार्रवाई कर रहा है, और सरकार ने भी अपने परिवार का, जैसे कोई अभिन्न अंग या अपने परिवार कोई सदस्य ऐसी घटना का शिकार हो जाए तो परिवार को एक बड़े भाई, एक बड़े पिता के रूप में आना चाहिए, तो सरकार उसी तरह सामने आई है। लेकिन इस प्रकार की घटना दुखद है, हम सब भी इस बात को मानते हैं कि घटना दुखद है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस पर कहीं निष्क्रिय नहीं है, कहीं भी स्थिर नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जब अपनी कानून प्रक्रिया पर आपको विश्वास रखना चाहिए, ऐसे कोई भी लोग हों, चाहे किसी पार्टी से हो, नहीं इस तरह देखिए किसी पार्टी से हो, कानून अपना काम करेगा। सवाल इसलिए उठ रहा है कि बुलंदशहर के बाद भी यही बात कही जाती थी, लेकिन एक और घटना घट गई, गाजीपुर में घट गई। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से हालात अलग हैं, बुलंदशहर के हालात अलग थे, यहाँ पर हालात अलग हैं, लेकिन बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी यहाँ पर नजर आता है। राजेश त्यागी, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में तो कोई अकस्मात घटना मुझे नहीं लगती, बहुत ही सोची समझी, बहुत ही रणनीति के साथ। ठीक है, भीड़ तंत्र कहा जा रहा, लेकिन बड़ी रणनीति के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। भले ही मंशा एक हेड कांस्टेबल को मारने की नहीं रही हो, लेकिन बड़ा उत्पात मचाने की तो रही। तो अगर इस तरह की घटना में अगर कोई भी पार्टियां अगर सक्सेसफुल हो जा रही है, सफल हो जा रही है, इसका मतलब इंटेलिजेंस फेलियर है। अब समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त है हमारे साथ, चौधरी साहब है। चौधरी साहब जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं ठीक है, बुलंदशहर के बाद गाजीपुर की जो घटना हुई, बोलने का एक मौका, बड़ा मौका है। इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मसले को लेकर, ठीक है कानून व्यवस्था का मसला है, उस पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन क्या सियासत करने से वत्स के परिवार वालों को इंसाफ मिल जाएगा, ये बता दीजिए। आप लोग खूब सियासत कर रहे हैं इस पूरे मसले पर। ये मैं आपको बता दूं गौरीशंकर जी, ये सियासत नहीं है, एक हमारे परिवार के सदस्य की जान गई है, जो इस बीजेपी सरकार की नाकामी की वजह से आए दिन, अभी हमारे बड़े भाई पूर्व अधिकारी जी बोल रहे थे, मैं उनकी सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि यूपी के अंदर अराजकता का माहौल है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का तो हाल क्या होगा, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, ये केवल अराजकता, ये दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के लोग अराजकता फैला रहे हैं, केवल ये चुनाव तक इस मुद्दे को गरमराना चाहते हैं कि यूपी के अंदर केवल और केवल इस तरीके के माहौल पैदा हो जाएं, जिस तरीके से आम जनता भटकती रहे, इनका कोई और लेना देना नहीं है। ये सियासत नहीं है, ये एक परिवार के हमारे सदस्य की जान गई है, इसमें सियासत नहीं है। यदि मान लो इसी तरीके से दूसरी सरकार में गई होती, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठे रहते, आप बताइए मुझे। ये सियासत नहीं है, ये केवल इनकी फेलियर है। कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा, इस पे बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है, फोकस। ठीक है, कार्रवाई हो रही। ठीक है, आते हैं आपके पास, हम आते हैं त्यागी जी, एक सवाल चंद्रमोहन शर्मा जी से पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए कार्रवाई तो हो रही है, सरकार आपकी संजीदगी थोड़ी बहुत तो दिख रही है, जिस तरह से कार्रवाई के बाद और बकायदा मुआवजा देकर के, लेकिन परिवार वाले ने कह दिया कि मुआवजा लेकर मैं क्या करूंगा, मेरे पिताजी ही नहीं रहे, मेरे परिवार का मुखिया ही नहीं रहा, तो मुआवजा लेकर। देखिए इस तरह की चीजें बुलंदशहर की घटना में हुई थी, लोग दुखी हैं और इस बात को समझने के लिए वो तैयार नहीं है कि दरअसल जो कार्यशैली पुलिस की है, उस कार्यशैली में किस तरह से अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है, कहाँ से क्या कुछ दिक्कत आ रही है, कि जैसा कि कहा भी पाठक साहब ने कि पुलिस वाले अब झंझट में ही फंसना नहीं चाहते। दरअसल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस पूरी घटना के बाद क्या होना चाहिए, पार्टियों को आगे एकजुट आकर के बातचीत करने की जरूरत है। जो निषाद पार्टी जिसकी चर्चा हो रही है, ऐसी पार्टियों पर बड़ी पार्टियां अंकुश तो लगा सकती है या नहीं लगा सकती, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती या नहीं बनती है, या कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियां बनती रहे, है ना, गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते रहे, आम जनता मरते रहे, हमारे जांबाज सिपाही मरते रहे और बड़ी पार्टियां ऐश करती रहे। देखिए गौरीशंकर जी, अभी जैसे हमारे पूर्व आईएएस पाठक जी ने एक बात बोली, आज जरूरत किस चीज की है, जरूरत इस चीज की है, ये नहीं कि अच्छे दिन आ जाएंगे, आए नहीं। आप ये कह दो कि कानून व्यवस्था बन जाएगी, बनी नहीं, और आप आके लिपा तोपी कर दो, कहीं बैठो और आप कह दो कि ऐसे हो रहा है, इसके मरने के बाद ऐसा हो जाएगा, हम मुआवजा दे देंगे और कानून व्यवस्था के लिए हम उनको पकड़ देंगे। क्वेश्चन यहाँ उठता है, एक देश की रक्षा सेना करती है और सूबे की रक्षा पुलिस करती है,
अगर पुलिस के अंदर पुलिस के रहने वालों का आपस में विश्वास खो जाएगा तो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? सूबे के चीफ मिनिस्टर कहाँ सोए हुए हैं? मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाता हूं कि मैं ऐसे किसी प्रदर्शन के हक में नहीं हूं, ना हमारी पार्टी, जिस प्रदर्शन को उग्र रूप धारण करके किसी की जान ले ले। पहले तो वो लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया और एक बेगुनाह आदमी को पत्थर की मौत के घाट उठा दिया। दूसरी बात यह आती है कि सूबे के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास क्या इंक्वायरी थी, उन्होंने इस चीज के ऊपर क्यों नहीं गौर किया? अगर वहां किसी तरह से तादाद पे आदमी इकट्ठे हो गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जुलूस वहां से जा रहा था, रैली जा रही थी, तो क्या वो सोए हुए थे? और अगर पुलिस वालों ने अगर उस पे ध्यान नहीं दिया और उस तंत्र ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, नहीं जो एक बात पूरी करने दीजिए मुझे जल्दी, उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो ये सब क्वेश्चन बीजेपी की नाकामी को प्रस्तुत करता है, क्योंकि बीजेपी जैसे ही कहा वैसे उन्होंने कुछ किया नहीं अपने टाइम पर। इसीलिए आज ऐसा हालात हो रहा है कि पुलिस भी अब उसकी वेदना देखिए, उस बच्चे की, सुबोध के लड़के की देख लीजिए और इनकी लड़के की देख लीजिए, उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा कराया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। नहीं, देखिए सवाल ये नहीं है, चंद्रमोहन शर्मा, सवाल ये है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके मुद्दे क्या है, उनका विजन क्या है। पाठक साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो छोटी पार्टियां अचानक से उभर आती हैं, है ना, कहीं पर हिंसा करके उभर आती हैं, कहीं पर उत्पात करके उभर आती हैं, कहीं पर अराजकता फैलाकर उभर आती हैं, इनका कोई विजन है? और जो छोटी पार्टियां लगातार हर दिन एक छोटी पार्टियां बन रही हैं अलग अलग विजन के हिसाब से, ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती जा रही है? देखिए, इन पार्टियों के बनने पर कोई रोक टोक नहीं है, ना कानून ना कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इस पर किसी तरह का रोक नहीं लगाता है और पार्टियां बनाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन उनके उद्देश्य क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन क्या कहता है, वो जो लोग निषाद पार्टी के लोग आ रहे थे उनके हाथों में एक बैनर था, खून बहेगा सड़कों पर, ये क्या हो रहा भाई? आरक्षण नहीं मिलेगा तो खून बहेगा सड़कों पर, आरक्षण एक अलग चीज है और खून सड़कों पर बहने की चेतावनी देना बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि उन लोगों का एक स्वदेश हिंसक आंदोलन था ये, और जो प्रधानमंत्री की मीटिंग के दौरान उन्हें करना था, हाँ। तो एक सिपाही को उन्होंने मार दिया। अब आप कल्पना करिए कि अगर कुछ सिपाही मिल करके उन लोगों को मार देते हैं, हाँ। तो इस पर क्या होने वाला है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में अगर राजनीतिक दल इस तरह का काम करेंगे तो इसी उत्तर प्रदेश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। और अभी तो सिपाही, इंस्पेक्टर, एसपी और एडिशनल एसपी, डीएसपी मारे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेतागण और जजेज अपने को सुरक्षित न समझे। नहीं, ठीक है, ठीक है पाठक साहब, साल दो साल में नहीं तो चार छह साल में ये सामने ही आने वाला है। ये वेदना आपकी हो सकती है, लेकिन देखिए इस तरह की लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं असंवैधानिक कही जाएगी। फिर फर्क क्या हुआ? अगर निषाद पार्टी कह रहा है कि आरक्षण नहीं तो सड़कों पर बहेगा खून, हम सब तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। त्यागी साहब, देखिए एक बात आपको बताना होगा बहुत ही तरीके से, कि इस घटना के बाद क्या सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया सब लोग देख रहा है, लेकिन जब छोटी पार्टियों के नाम आते हैं, जिस तरह से चुनाव से पहले इन्हें एक तरह से साधने की कोशिश होती है बड़ी पार्टियों के जरिए, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप बिल्कुल नहीं समझना कि मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूं, साधने की कोशिश होती है, और यही वजह है कि छोटी पार्टियां जो होती है कोई विजन नहीं होता, कोई उनका उद्देश्य नहीं होता, लेकिन बड़ी पार्टियों की शह की वजह से ये लोग उत्पात और अराजकता जैसे माहौल को क्रिएट करने में हिचकते भी नहीं, और निषाद पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए बीजेपी का वरद हस्त है इस पर या नहीं था, ये बता दीजिए बस। देखिए, अब ये तो बात ही गलत है कि वरद हस्त था बीजेपी का, ये तो कतई भी कहीं कोई तथ्यात्मक बात ही नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपकी करना चाह रहा हूँ, मैं ये बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि हम भी इसी समाज का अंग है, और जब कोई समाज में ऐसी घटना होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, दुख होता है, लेकिन मैं कह दूं 70 साल की कांग्रेस सरकारों में जिस प्रकार से लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया, प्रदेश में भी सपा और बसपा के राज्यकाल में, देखिए मैं बोल रहा, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, ये तो गलत है। सरकार से सपा और बसपा या किसी ने क्या बांटा, आपकी सरकार है, सपा और बसपा आपकी सरकार है, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी, उसको बांटा गया। आप ये कह के, सपा को तो बोलने का अधिकार ही नहीं, आप ये कह के लूट हत्या डकैती दलितों के साथ अन्याय, दंगे मुजफ्फरनगर जैसे, बथुरा में
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाला, आपके ही दो विधायकों ने कराया, इनके कार्यकाल में 3027 पुलिस वालों पर हमले हुए, जांच की 25 मौतें हुई, आपके ही लोगों ने, 1000 लोग घायल हुए, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। आपके ही विधायकों ने कराया वो, जनता ने हमें जो मैंडेट दिया, आपके विधायक लेकर रैली चले थे, मैंडेट दिया आपके ही विधायक के अनुसार, हमसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं। आप अपना पीछा नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी संवेदनशील है और कतई बर्दाश्त नहीं करेगी इस प्रकार के लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी की, किसी पार्टी की नियत हो, किसी पार्टी गुंडागर्दी हो, भारतीय जनता पार्टी समाज के हित के लिए, लेकिन सवाल देखिए खड़ी रहेगी। देखिए चौधरी साहब, सवाल तो है, सवाल तो है, उस चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्यागी साहब सुनिए, सवाल निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। इसके बावजूद सवाल तो है कि यूपी की सियासी फिजा में, एक मिनट मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, यूपी की सियासी फिजा में कोई तो जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, कौन है? अगर अगर ये तमाम क्षेत्रीय दलों की बात करें, छोटे छोटे दलों की बात करें, क्या इनका उद्देश्य है, क्या इनका विजन है? अगर अगर इस विजन के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि मैं उत्पात करूंगा तब लोग मेरी पहचान करेंगे, मैं सिपाही पुलिसकर्मी की हत्या कर दूंगा तब लोग मुझे पहचानेंगे, क्या ये उद्देश्य है? इस प्रकार की विचारधारा कतई भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा कहा कि इस देश को जातिवाद का जो जहर घोल के गई हैं पिछली सरकारें, उस जातिवाद के जहर से मुक्त करना है। यकीन मानिए, जब तक ये पूरा देश एक सूत्र में नहीं पुरेगा, तब तक ऐसी घटना होती भी रहेगी। शंकर भाई जी, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस देश के अंदर, की जुमलेबाज सरकार मिल गई है और जुमलेबाज नेता मिल गया, हर चीज में जुमला, आज यहाँ भी जुमला, इतने वेदना और संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। मैं पहले कह रहा था, ऐसी सरकार और ऐसे नेताओं को जो इसके ऊपर राजनीति करने के लिए सोचते बोलने दीजिए। उसके बाद आज देखिए सत्ता आपके पास, उसके बाद आप फिर कांग्रेस को कोसते हैं। ये एक हम आप तीनों एक वोटर है इस देश के, और वोटर की हैसियत से अगर मेरे भाई चौधरी साहब ने एक क्वेश्चन उठाया, ऐसे ही आज 133 करोड़ जब इलेक्शन जीता कानून को बनाने के लिए सत्ता में होने के बाद आप कभी कांग्रेस का ब्लेम लगाते हो, कभी सपा पे लगाते हो, कभी बसपा पे लगाते हो। आपको ये सत्ता किसी के ब्लेम लगा के नहीं मिली थी, लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको दिया था, जो भी है एक बात लेकिन देश सुरक्षित रहेगा, पुलिस सुरक्षित रहेगी, माता बहनें सुरक्षित रहेगी। एक बात क्लियर है, क्या आज देश के अंदर इज्जत लूट रही है, पुलिस वाले मर रहे हैं, एक बात क्लियर है, ये आपकी आपकी कसनी करने में मर रहा है। 27 लोगों पर हमले हुए, इतनी गड्ढा, ये आप ही के टाइम पे ले लीजिए ना, एसपी को आप लतारते हैं, कैसे खास निकालने के एसपी को डांट रहे होते आपके एमएलए रुकेंगे। एक एक बात देखिए तय है, लेकिन चाहे जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा लें, लेकिन जब इस तरह के उत्पात होते, सियासी नफरत फैलती या फिर सियासी सरंजिश फैलती, तो आखिरी जो बलिदान होता है या तो आम जनता या फिर हमारे जांबाज पुलिसकर्मी, हमारे जांबाज सेना को ही चुकाना पड़ता है। इसको रोकने की जरूरत है, एक अच्छे विजन के साथ चलने की जरूरत है, और सभी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का भी एक तरह से है ना, आपकी आपके साथ वो चल रहा, आपका अंग है, हमारे प्रजातंत्र का अंग है, अगर कोई गलत कर रहा है तो सभी पार्टियों को एक साथ उस पार्टी का विरोध करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है, चर्चा जारी है। गाजीपुर में जो हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार यूपी की सियासी फिजा में कौन जहर घोल रहा है। जो छोटी पार्टियां, जिसके ऊपर निषाद पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप पुलिस अधिकारी की तरफ से लगाया जा रहा है कि ज़्यादातर कार्यकर्ता इसी पार्टी के थे, और इस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने वाली है, कई को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस पार्टी के विजन को भी समझना जरूरी है, इसका उद्देश्य भी समझना जरूरी है, और दरअसल किस आधार पर ये पार्टी अपने आप को पनपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर, पहले उसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। उनको अपने हाथ में लेना और जिस प्रकार से कानून के रक्षक की एक भीड़ हत्या कर देती है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और देश पहले, प्रदेश पहले है, संविधान पहले है, इन पार्टियों को
ये कहने का किसने हक दिया कि जिसकी हत्या हो जाए और उसमें फंसाए जा रहे हैं, कोई क्यों किसी को फंसाएगा। लेकिन जिसने हत्या की, जिसने उकसाया, जो इस साजिश में शामिल है, उन सबको भी जेल में डाला जाएगा और जल्द से जल्द उनको कड़ा दंड दिया जाएगा। कभी भी भीड़ तंत्र को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे जिस पार्टी का प्रोटेस्ट हो, प्रदर्शन हो, कांग्रेस पार्टी कर रही हो या लोकतंत्र में कोई दूसरी पार्टी। हम लोगों को सबको संविधान के दायरे में काम करना चाहिए और ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है, चाहे बुलंदशहर में हुई हो, चाहे गाजीपुर में हुई। एक आपने प्रशासनिक अधिकारी की हत्या किया, सिपाही की हत्या किया, तो आज ये कहना कि हमको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इससे अपने आप को सहमत नहीं मानती है। सरकार को पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन हाँ, किसी को प्रताड़ित न किया जाए, इस बात की कांग्रेस पार्टी हमेशा पक्षधर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कौन कितना बड़ा जिम्मेदार है इस बात को तलाशने की कोशिश हो रही है, लेकिन तलाशने का काम कौन कर रही है? पॉलिटिकल पार्टियां। पुलिस क्या कह रही है कि निषाद पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और हत्या के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कई लोग फरार हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 19 अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं कि 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीधर पाठक जी हैं, रिटायर्ड IPS। राजेश त्यागी बीजेपी के नेता, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता, और इसके बाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। चलेंगे पाठक साहब के पास। पाठक साहब, एक बात मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मैं जो पूछ रहा था कि विजन क्या होता है, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, विजन तो एक ही है ना, कि देश को मजबूत करना है, देश की एकता और एकजुटता को और मजबूत करना, जनता के बीच में अच्छी चीज़ों को लेकर जाना, ताकि हमारे देश का विकास सही पैमाने के हिसाब से आगे बढ़े। लेकिन दरअसल ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि वो पार्टियां अपनी पहचान, जिसे एक तरह से आइडेंटिटी जो क्राइसिस की शिकार हो रही है, उसे ऐसा लगता है कि हमारी पहचान तब होगी जब हम हिंसा करेंगे, हमारी पहचान तब होगी जब हम दो चार हत्या कर देंगे। क्या निषाद पार्टी का थोड़ा सा प्रोफाइल बताएंगे? निषाद पार्टी क्या इस प्रोफाइल में जी रही है, इस प्रोफाइल में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कार्रवाई तो होगी इस पार्टी के खिलाफ, और तमाम, देखिए, तमाम बड़ी पार्टियां इस पार्टी के खिलाफ हो रही हैं, कह रही हैं कि अगर उस पार्टी की तरफ से किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई देखिए, किसी को भी एक राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार है, कानून इसकी इजाजत देता है, वो दल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल, कोई भी दल शुरुआती दौर में छोटा होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है। निषाद पार्टी ने साफ साफ बता दिया है अपने बैनर में, उसने लिख करके कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो खून बहेगा सड़कों पर। इसको जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि निषाद पार्टी पूरी तौर पर भ्रम में है, क्योंकि निषादों को वैसे भी OBC में आरक्षण प्राप्त है 27%। अब ये अलग बात है कि वो और कौन सा आरक्षण चाहते हैं, क्या वो शेड्यूल कास्ट में जाना चाहते हैं? उसके लिए हमारी समाजवादी पार्टी ने पहले ही काफी लिखा पढ़ी कर रखी है, और भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर उस पर कई प्रकार के विचार विमर्श हो रहे हैं। वो सब उतना आसान काम नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह के कामों को शुरू करने और खत्म करने के बीच में 2-4 साल का समय लग जाता है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि वो राजनीतिक दल भी है और सड़कों पर खून भी बहाएगा, तो वो राजनीतिक दल तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल समूह है, बिल्कुल समूह की धारा, और अभी इसके अनुसार सामूहिक उद्देश्य है हत्या का। और अभी तक जो देखिए आंकड़े, और अभी तक जो जानकारी है पाठक साहब, जानकारी पुलिसकर्मियों, पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो जो डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसके मुताबिक जो अधिकतर जो कार्यकर्ता जिनके खिलाफ इस हिंसा को उकसाने के आरोप लगे हैं, और हेड कांस्टेबल सुरेश वत्स की हत्या के आरोप लगे हैं, सभी निषाद पार्टी से ही ज़्यादातर बिलोंग कर रहे हैं। राजेश त्यागी जी, एक्शन हो रहा है, मैं ठीक है, मैं सरकार की इस पूरे मसले को लेकर तारीफ करता हूँ, लेकिन क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्षियों को, है ना, दूसरी पार्टियों को बड़ा मौका मिल रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत ढीली होती जा रही, और पुलिस की कार्यशैली जो बिल्कुल जो सख्ती वाली जो बात योगी जी की तरफ से कही जाती है, वो सख्ती पुलिस कर्मियों के अंदर दिख नहीं रही है? थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हम सख्त हैं, सख्ती के साथ कानून का पालन करेंगे, दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, है ना? और कार्यशैली भी ऐसा देखिए कि कई ईमानदार पुलिस अधिकारी जो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते नजर आते हैं, उनकी हत्या भी कर दी जाती है।
देखिए एक 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 कॉन्ट्रडिक्शन तो इस तरह का भी आ रहा है। आपके सवाल में तीन सवाल हैं। एक तो ऐसी पार्टियां जो किसी उत्तेजक विचारधारा के साथ, देखिए आरक्षण की बात पाठक जी ने भी कही कि वो पहले से ही ओबीसी के आरक्षण में है, यदि अन्य कोई आरक्षण लेना चाहते हैं तो किसका लेंगे, एससी का लेंगे किसका लेंगे, ये बड़ा असंभव सा सवाल है। इस प्रकार के उपद्रवियों जो समूह हैं उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, होगी। दूसरी बात जो आपने कहा सरकार की, यकीन मानिए पिछले इतने लंबे समय में जो कार्यकाल रहा सरकारों का, पुलिस का मनोबल जिस प्रकार से गिरा है, नेताओं ने कहिए या अन्य जो पार्टी रहीम के नेताओं से कहिए, किस प्रकार से उनका मनोबल पुलिस का गिराए रखा, इतने लंबे समय घटनाओं पर भी जांच पर लिपापोती करने का रहा, इतना मनोबल गिरा हुआ पुलिस वालों का, पिछले साल से सरकार आई है, बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है, बिल्कुल स्पष्ट नीति है योगी जी की कि कोई भी अपराधी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसे जेल भेजना पड़े चाहे ऊपर भेजना पड़े, कोई भी अपराधी, जो ठोकदो की बात कहते हैं, ठोकदो का आप बड़ा कन्फ्यूजन उसमें क्वेश्चन में डाल रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो अपराधी किसी समाज का नहीं है, किसी समाज का अभिन्न अंग नहीं बन सकता, असामाजिक है, ऐसे अपराधियों को बिल्कुल ठोक देना चाहिए। और योगी जी बिल्कुल स्पष्ट है इस नीति में, और नहीं क्यों? मौका भी देते हैं संजीव चौधरी जी जो ड्यूटी दे रहा है, संजीव चौधरी जी के अंदर है, देखिए एसपी कार्रवाई कर रहा है, अखिलेश यादव के कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया, राजेश त्यागी ने अखिलेश यादव के कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया, बताइए देख लिया जाएगा तेरे को, और उसके बाद पुलिस वालों पे देखा गया, उसका जवाब दीजिए ना, इस प्रकार से पुलिस वालों को पिछली सरकारों और आप पिछली सरकारों के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, आंकड़ा चेक करिए और पिछली सरकारों का आंकड़ा चेक करिए, आपको पता चल जाएगा पिछले एक जो आपकी योगी सरकार है उस सरकार से आप चाहे सपा का कार्य प्रणाली का आंकड़ा देख लीजिए, चाहे बसपा का और चाहे पिछली सरकारों में कांग्रेस का, आपकी हालात बद से बदतर की आपने, मैं जनमानस की बात अभी लो, आज दिन निवस्त आगरा के अंदर क्या हुआ, आगरा के अंदर क्या हुआ, एक लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया सरकार में, यूपी के अंदर निवस करके लड़की को जला दिया, कितने कांड आपके टाइम पे हो रहे हैं, और आपके रोमियो स्क्वाड चला रहे हैं, कैसे चलेगा आपका रोमियो स्क्वाड जब देश सूबे की पुलिस से सुरक्षित नहीं होगी, रुकेंगे त्यागी साहब, रुकेंगे शर्मा जी थोड़ा सा रुकेंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। संजीव चौधरी अखिलेश यादव ने कहा कि ठोक दो की जो लैंग्वेज है बड़ा कंफ्यूजिंग है, जनता भी नहीं समझ पा रही, पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे किसे कहां पर ठोकना है, लेकिन देखिए त्यागी जी ने तो कह दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं, देखिए गौरी शंकर जी बिल्कुल क्लियर है, और बीच में इसलिए नहीं बोला, क्रिस्टल इसलिए नहीं बोला ना, इनकी बात समझ में आएगी ना, हमारी बात समझ में आएगी, ये तो आप समझा दीजिए ना, ये जो ठोक दो का शब्द है ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, ठोक देने का मतलब फर्क क्या हो गया, फिर अराजकता फैलाना ही तो हो गया, ठोक दो अराजकता फैलाना ही तो हो गया, मैं वही हर डिबेट पे एक ही बात कहता आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही मकसद केवल अराजकता फैलाना, इन्होंने सरकार आने से पहले कश्मीर में कहा था, त्यागी जी एक मिनट मेरी पूरी हो जाएगी, मैंने आपकी मैंने रोकी नहीं आपको, चलिए कश्मीर में इन्होंने कहा था हम पत्थरबाजी खत्म कर देंगे, कश्मीर की तो ये खत्म नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश के अंदर पत्थरबाजी शुरू होगी, आप देखिए ये इसकी देन, जब से त्यागी जी पूरी तो होने दो, आप बोल रहे आतंकवादी, आपको समय मिलेगा से बाहर निकल नहीं पाया, समय वहां भी सैनिकों ने की ये प्रशंसा लोगों को करनी है, आपको नहीं करनी है, लेकिन अभी लोग नहीं कर रहे हैं, कैमरा देख के बोले कैमरा देख, सारे ये प्रशंसा लोगों को करनी है, जनमानस को करनी है, क्या प्रवक्ता क्या इसकी प्रशंसा मांग रहे हैं, इस तरीके से सरकार चलाओगे आप ठोकने से, इस प्रकार से आतंकवादियों को सफाया कश्मीर किया गया है, आप किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, जब आप 7,000 छोड़ देंगे राजनीतिक लालच के अंदर, जब गो हत्या के लिए, क्या कीजिए एक मिनट गो हत्या के लिए आप जाके लोगों से निवेदन कर सकते हो, जब हम पत्थरबाजी आप बोलने नहीं दोगे, नहीं बोलिए आप बोल रहे हैं, आपको काउंटर करेंगे, रुकिए आप गो हत्या के लिए प्रदेश में पुलिस को लगा सकते हो हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए, तो आखिरकार आप इन पुलिस वालों को कि जो हत्या हो रही है इनको इन पब्लिक से निवेदन क्यों नहीं कर सकते, क्या निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे एक निवेदन बताइए, क्या कीजिए मुझे शर्म आती है माता के लिए और जुमलेबाज सरकार के लिए, एक भी सुरक्षा के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी तो अपना कोई वादा पूरा किया नहीं, उल्टा इस प्रदेश को खून भरा की जनता जाना चाहती है, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा लिटमस टेस्ट आप ये कह के, शर्मा जी, गौरीशंकर जी एक सेकंड, आप ये कह के
कि पिछली सरकारों में क्या हुआ, यह कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते त्यागी जी। पता ही नहीं हटेंगे। या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप मानिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपका हर नेता यही कहता है उसको बिल्कुल जेल में भेजा जाएगा, बंद कर दीजिए, सुधरा जाएगा वरना ये बिल्कुल। ये जो जनता है ना, ये देश की जनता, गरीब जनता जिसका खून चूस लिया आपने, ये आपको इस प्रदेश से नहीं, इस देश से भी भगाने वाली है। व्यापारियों को ठोकने की बात, किसानों को ठोकने की बात आप कर रहे हो। आतंकवादी खुले में घूम रहे हैं आपके। संजीव चौधरी जी, एक मिनट, पाठक साहब के पास। पाठक साहब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो पैरामीटर है उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। जब जब कोई किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो विपक्ष में बैठने वाला सेम इसी तरह का आरोप लगाता, कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली, है ना, सरकार की तानाशाही, ये तमाम तरह के आरोप हर सरकारों पर लगती रही, कोई नई बात नहीं है इसमें। हम नई बात इसलिए यहाँ पर करना चाहते हैं कि देखिए, इस तरह की घटना थोड़ी कम होती थी। भीड़ तंत्र में अब जनरली जो अपराधी मारे जाते थे कि अपराधी चोरी कर रहे हैं, पकड़े गए, मार डाले गए, या फिर अपराधी कोई वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, भीड़ के जरिए पकड़ लिया गया, मार दिए गए। लेकिन जो नई बात आ रही है कि अब पुलिसकर्मी ही मार दिए जा रहे हैं, उनकी ही हत्या की जा रही है, थोड़ा इस बात को, थोड़ा इस मनोविज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है पाठक साहब, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही अलार्मिंग है। नहीं नहीं, इसमें उतना अलार्मिंग नहीं है। पुलिस भी जब भी इस तरह के मामलों में मौके पर जाती है तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि भीड़ हिंसक हो सकती है, और अगर भीड़ हिंसक होगी तो उसका प्रभाव पुलिस का जो बल है उसके ऊपर पड़ेगा, और इसीलिए पुलिस को पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण दिया जाता है और इक्विपमेंट दिया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इस मामले में पुलिस को बहुत जल्दबाजी में तैनात कर दिया गया और वो पूरी तौर से इक्विप नहीं थे। हालांकि ये बात मान के चलनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था या रैली हो रही थी और कुछ लोग उसका विरोध करना चाह रहे हैं, तो पुलिस को उस हिंसक भीड़ से निपटने के अनुरूप अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। पुलिस इसमें फेल रही। हाँ। अब हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, वो चीज सामने नहीं आई है, लेकिन अगर सिपाही मरा है तो उसे मारने का उद्देश्य था और ये सामूहिक उद्देश्य था, उसी हिसाब से अपराधियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको राजनीतिक दल का संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा त्यागी साहब, एक बात मुझे थोड़ा सा बताएं, जब पीएम की रैली हो रही थी, वहाँ से रैली गुजर रही थी, है ना, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ से, शुरुआत में जो आरोप लगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उकसाया गया, है ना, एसपी का भी बीच में नाम आया, अब निषाद पार्टी के ऊपर जो पुलिस अधिकारियों की तरफ जो बयानबाजी हो रही है, थोड़ा सा मुझे इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक आपका जो नज़रिया, बीजेपी का नज़रिया है क्या है? ठीक है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन आपकी पार्टी का इस पूरे मसले पर स्टैंड क्या है, थोड़ा सा बताएं। देखिए गौरी जी, जब भी ऐसी कहीं घटना होती है, पहली बात तो मैं कहूँ कि जनता को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे अफवाह फैलती हैं और वो घटना कहीं भी और भी हो सकती है, ये मैं एक आम नागरिक के नाते भी कह रहा हूँ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल उस अपने जांबाज सिपाही के साथ खड़ी है, सुरेश वत्स जिनका नाम है। यकीन मानिए, जब कोई स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारी करता है तो पूर्णतः तैयारी करता है और पूरी तरह से कोशिश करता है कि सुरक्षा बलों में और आम जनता में ठीक समन्वय रहे। सुरक्षा बल भी ये नहीं चाहता कि हम मैं जाके किसी उसको आम नागरिक को परेशान करूं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं अगर यदि कहीं स्थानीय प्रशासन से चूक हुई है तो निश्चित तौर पर हम उस चूक को भी देखेंगे। और दूसरी बात कि हम ये आपको विश्वास दिला दें कि एक भी अपराधी, अभी आपको ऐसा कंक्लूजन दिया कि अभी आपको ऐसा लगा ही नहीं कि चोर है, आप बोल रहे हैं अभी हमारे अधिकारी बोल रहे थे उनकी बात से आप सहमत नहीं हो? कहीं ना कहीं हुई। अरे प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी की रैली होने जा रही है, कोई काम की क्या तैयारी की है पुलिस वालों, आप लोगों ने गिराने का मतलब मुझे पुलिस वालों के साथ खड़े नहीं होना चाहते कि आप लोग ही झूठ दे रहे हैं कि प्रदेश में दंगे हो? अरे भैया, सपा की सरकार नहीं है, गुंडे बदमाशों से कहने से आप अपने पीछे नहीं छुटा सकते। अरे इससे बड़े
अगर आप राजनीति अभी कह रहे हैं यदि चूक हुई है ऐसा क्यों हो रहा है त्यागी साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कर रहे हो, आप कर रहे हैं त्यागी साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है जब जब पाठक जी बिल्कुल सही कहा, जब पाठक जी की बात से 100% सहमत हूं। अरे पाठक जी तो कह रहे हैं आपने, अरे वो ये कह रहे हैं कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? प्रशासन प्रधानमंत्री जी की रैली देश के प्रधान, वैसे तो आप घर घर मोदी हर हर मोदी करते हो, तैयारी करते हो, तैयारी क्यों नहीं की? आप इसने कहा कि पूरी फेल है। देखिए गौरी जी, ये घटना ये दर्शाती है कि इन लोगों ने, इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये देन है, ये लोग चाहते थे, ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये दंगे हो, ये चाहते हैं ये लोग, समझिए ये निश्चित हो चुका है। क्यों नहीं तैयारी की आपने? मजाल है कोई इस तरीके से हरकत कर जाए? उन अपराधियों के साथ एक सिपाही की हत्या हुई और आप समझ लिए 100 पुलिस वाले होने चाहिए, सिपाही की हत्या हुई है तो कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। बस ये क्या आप पीछा छुटा लेंगे कि हम सिपाही के साथ हैं? क्या मोहन शर्मा जी उस बेचारे सिपाही की भरपाई का सच बताइए, आप क्या कर लेते हैं? चंद्र ये डायलॉग उस तरह से हो गया जैसे किसी एक फिल्म की स्क्रिप्ट का डायलॉग है। जी क्वेश्चन यहाँ उठता है, जैसे हमारे पूर्व आईपीएस ने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा कि जब रैली जा रही है वहां पर भीड़ खड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वालों को पता नहीं था तंत्र को कि भीड़ थोड़ी जुगुर हो रही है? कहीं ना कहीं किसी बड़े ऑफिसर से पूछा गया होगा ना, कहीं ना देखिए बात आप मैंने बस आपने काटा ना, आपने बात सुनी है उसके ऊपर किसी कार्रवाई पे जब कोई कहीं ना कहीं आपके किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण आंदोलन करे उसको छूट नहीं मिली होगी, ना छूट मिलने के कारण भीड़ हो गई और पुलिस वाले ये घटना अचानक हो गई? नहीं अचानक नहीं होती है, और हमारे सिपाही के साथ दुर्घटना और मुख्यमंत्री ने उसको घटना का नाम दे दिया की तरफ ले लेकिन सुबोध कुमार की हत्या के लिए जाने के लिए आप हमारे प्रदेश को क्यों नहीं, अभी तो सुबोध कुमार का चेहरा भी नहीं पकड़े हुए, रोजगारी में फेल है पूरी तरह से, आप नौजवानों का फेल है, किसानों का फेल है, आपकी सरकार आप उसका ध्यान रखने के लिए इस तरीके की घटना करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि एक मिनट थोड़ा सा जय हम चलेंगे पाठक साहब के पास चलेंगे, पाठक साहब एक रिवाज बन गया है बीजेपी के एक सरकार से क्या चाहते हैं डीएम पुलिस वाले ऐसा जो जब मर्जी धमका शर्मा जी थोड़ा सुनेंगे त्यागी जी थोड़ा सुनेंगे त्यागी जी थोड़ा सुनेंगे कार्रवाई नहीं हम यह घटना ही नहीं चाहते चौधरी साहब थोड़ा सा रुकें पाठक साहब मुझे थोड़ा सही बताएं मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं बहुत देर से, इस घटना को क्या कहा जाए, भीड़ तंत्र कहा जाए या फिर इस तरह से इसको समझा जाए कि भीड़ तंत्र नहीं है बल्कि सुनियोजित सियासी भीड़ तंत्र इसको कहना ज्यादा उचित होगा, या फिर ये मान लिया जाए कि नक्सलियों में और जो जिस निषाद पार्टी की बात हो रही है इनके कार्यकर्ताओं में कोई भेद नहीं है, इनका उद्देश्य इनका विजन उसी तरह का है। भाई देखिए वहां पर जो भी भीड़ थी भले ही उसने एक राजनीतिक दल का मुखौटा ओढ़ रखा था लेकिन उनका उद्देश्य बहुत साफ था, सबका एक ही उद्देश्य था, वो अपने उस बोर्ड में लिखे हुए थे कि खून बहेगा सड़कों पर, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई था, उनका उद्देश्य क्या था और अगर उन्होंने सिपाही सहमत है कि जब आपकी बात से सहमत है जिन लोगों ने पहले ही ये अंदेशा कर दिया और चेतावनी दे दी उसके बाद तो इन लोगों से चूक हुई है, सरकार से चूक हुई है, इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके एक आदमी कह रहा कि मैं हत्या कर दूंगा और ये कार्रवाई नहीं कर रहे, ये इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरीके से करे और तब हम अपना कानून लेके आए, इसका मतलब इनका फेलियर है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राजेश त्यागी एक बात तो आपको मानना होगा, देखिए पाठक साहब भी बार बार कह रहे हैं कि पुलिस तंत्र यहाँ पर फेल नजर आई है, बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ पर डिसीजन लिया गया, जो 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 एक और बात ओपी सिंह की तरफ जो बात कही जा रही है, जो महानिदेशक है उत्तर प्रदेश के महानिदेशक है, उन्होंने कहा कि वहां पर जो निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे थे उनको हटाने के लिए सुरेश बत्स वहां पर गए थे, इसके बाद पत्थरबाजी हुई, इसके बाद ये बड़ी घटना दुखद घटना घटी है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि सिर्फ पुलिस का इतना ही काम होता है, पुलिस की कार्यशैली में सिर्फ यही शामिल है, सरकार की तरफ से यही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या फिर ओवरऑल हर चीज को देखने की जरूरत है? पाठक जी भी एक बड़े अधिकारी रहे हैं,
वो भी जानते होंगे किस प्रकार से पुलिस अपना इंटेलिजेंस इनपुट भी लेती है, अपनी पूरे से, आप सुन लीजिए इस बात को, पूरे अपने अमले को भी पूरी तरह दुरुस्त करके लगाती है और प्रयास ये रहता है कि किस प्रकार से भी कोई अप्रिय घटना ना हो। कभी भी कोई प्रशासन ये नहीं चाहता, लेकिन यदि फिर भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं जो आप बार बार कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं आप राजस्थान, अरे जांच का विषय नहीं है, अभी पेंशन लोगों ने पैसे हुए थे, ऐसे नहीं बहेगा ये, अरे भैया पाठक जी ने कहा वो लोग बैनर लिए हुए थे कि खून बहेगा, आप राज को छोड़ दीजिए, आपका राज आज है नहीं है, पुलिस वालों को धमका देते हुए आज आपका राज है, कानूनी प्रक्रिया निभाई जाएगी, जांच की जाएगी, और गौरीशंकर जी मैं बार बार कह देना चाहता हूँ अगर जांच हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सामने आ जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं एक लास्ट कमेंट पाठक जी से लेंगे। पाठक साहब क्या किया जाना चाहिए अब इस तरह की घटना ना हो, बिल्कुल एकदम क्लियर, बहुत ही क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट बताइए गवर्नमेंट को, थोड़ा सा रोड मैप बताइए कि देखिए घटनाएं जो हो रही है सरकार की छवि खराब होती है और कोई भी सरकार अपनी छवि खराब करना नहीं चाहती, सरकार की जो मंशा होती है उसका जो विजन होता है इस तरह का होता ही नहीं है, ये चूक लापरवाही का ही नतीजा है। कई मामलों में चूक गई है सरकार को, इस सरकार को आए हुए 2 साल हो रहा है, अभी तक सरकार ने थाने का थानाध्यक्ष किसे बनाया जाए इस संबंध में अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है। जवाब दो, जब तक सरकार अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं जारी करती है, थानाध्यक्ष किसे बनाया जाए किसे न बनाया जाए इस संबंध में थोड़े बहुत कंफ्यूजन हमेशा बने रहेंगे। थानाध्यक्षों को कानून सारे प्रकार के अधिकार देता है, उसे न तो किसी से पूछना है और न किसी से डायरेक्शन लेना है। साफ सुथरी बात है, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ विधानमंडल के सदस्यों का एक समिति बननी चाहिए जो कानून व्यवस्था पर प्रतिमाह अपनी बैठक करे और इस संबंध में आवश्यक उपाय सुझावे। ये काम अभी तक उत्तर प्रदेश में लगता है हुआ नहीं है, क्योंकि कभी कोशिश हो रही है ऐसी सामने आई, कोशिश हो रही है, योगी जी ने ऐसा संकेत दिया, भी काम कर लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाठक साहब, यहाँ पर आप आए, आपने वक्त निकाला। श्रीधर पाठक जी रिटायर्ड IPS, बहुत ही अलग अलग अपने तर्कों के हिसाब से खासतौर पर एक बड़ा रोड मैप भी सरकार को दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। राजेश त्यागी जी आपने वक्त निकाला, चंद्रमोहन शर्मा जी आपने वक्त निकाला और संजीव चौधरी जी आपने वक्त निकाला, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।